हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश, स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल सोकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मेरे पास काफी कमेंट आए थे कि हम कौन सी रेजिस्टेंस लगाए अगर हम किसी 5 mm या फिर 3 mm LEDs को इसी वोल्टेज पर, जैसे मान लो कि 9 वोल्ट, 12 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट AC के साथ हम कनेक्ट करते हैं, तो हम कैसे मालूम करें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कि रेजिस्टेंस कितने ओम की है या फिर कितने वाट की है, हम कैसे मालूम करें। या फिर मान लो कि आपको 1, 2, 5, 50, 100 या उससे ज़्यादा LEDs को किसी भी वोल्टेज के साथ, कि 9 वोल्ट के साथ या फिर 12 वोल्ट के साथ या फिर 220 वोल्ट AC के साथ या फिर किसी भी वोल्टेज के साथ सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो उस वक्त हम कौन सी रेजिस्टेंस लगाए, किस वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाए और कितने वाट की रेजिस्टेंस लगाए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही सब चीज प्रैक्टिकली बताने वाला हूं, जिससे आप खुद ही पता कर लोगे कि आपको LEDs के साथ कौन सी रेजिस्टेंस लगानी है, कितने वैल्यू की रेजिस्टेंस लगानी है, कितने वाट की रेजिस्टेंस लगानी है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक अमेजिंग गेमिंग एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, जंगली रमी, जिसमें 20 मिलियन से ज्यादा यूजर रजिस्टर कर चुके हैं। ये एक इंडियन लीगल गेमिंग ऐप है, जिसमें आप अलग अलग टूर्नामेंट खेल के कार, बाइक, 800 लाख रुपए के टूर्नामेंट भी खेल के पैसे जीत सकते हो। अभी आजादी टूर्नामेंट में महाराष्ट्र के सुशांत पाटिल ने 50 लाख रुपए जीते हैं। जंगली रमी पर 16 सितंबर से RPL 9 टूर्नामेंट शुरू हो गया है, जिसमें 10 करोड़ का प्राइज पूल अरेंज किया है और मेगा प्राइज 75 लाख, जो कि 55 डेज का टूर्नामेंट है। और अभी ये टूर्नामेंट ऑलरेडी स्टार्टेड है। इसमें कैश डिपोजिट एंड विड्रॉल करना भी बिल्कुल ईजी है। वेलकम ऑफर के चलते आपको यहाँ पर मनी एड पर मिलेगा 100% का बोनस, और अगर आप अपने फ्रेंड को रेफर करते हो तो आपको मिलेगा 1500 रुपए का बोनस। जीते हुए पैसे आप इजीली KYC करके पेटीएम UPI के जरिए इजीली विड्रॉल कर सकते हो। यहाँ पर काफी सारे लैंग्वेज में 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाके लिंक पर क्लिक करें एंड डाउनलोड करें जंगली रम्मी। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी LEDs है और रेजिस्टेंस है, तो इनको हम कैसे जोड़े। तो यहाँ पर अभी हमें पता नहीं है कि हम LEDs के साथ कौन सी रेजिस्टेंस जोड़ेंगे और कितनी LEDs के साथ कितने ओम की रेजिस्टेंस जोड़ेंगे और वो कितने वाट की भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर वाट भी बहुत अहमियत रखता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें ये मालूम चल गया कि फला ओम की रेजिस्टेंस लगानी है, तो वही कितने वाट की लगानी है मेन बात ये भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग वाटेज की रेजिस्टेंस रखी हुई है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो सबसे छोटी वाट की जो रेजिस्टेंस होती है वो ये देखिए, इसकी जो साइज है वो काफ़ी छोटी है, और ये देखिए इतनी छोटी है ये रेजिस्टेंस, ठीक है। ये होती है 1/4 वाट से भी छोटी, ठीक है, यानी 1/8, यानी कि 1 वाट का भी 8वां हिस्सा, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हो ये होती है 1/4 वाट की रेजिस्टेंस, और इस 1/4 वाट का मतलब ये हो गया कि ये 1 वाट का 1/4 हिस्सा है। और इसकी जो साइज है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी साइज इस प्रकार से आप देख सकते हो, ठीक है। ये वाली साइज की जो रेजिस्टेंस होती है वो 1/4 वाट की होती है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं ये हो गई 1/2 वाट की रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 1/2 वाट की रेजिस्टेंस है उसकी साइज ये है, और ये जो आप ये देख रहे हैं ये वाली जो रेजिस्टेंस, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, ये 1/4 वाट की रेजिस्टेंस हो गई थी और ये 1/2 वाट की। तो यहाँ पर इनमें साइज में अंतर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये साइज क्यों बता रहा हूँ, तो भाई साइज बताना इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू के साथ साथ अगर हम किसी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर वाट का भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमें कितने वाट की रेजिस्टेंस वहाँ LEDs के साथ लगानी है। और यहाँ पर अब ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ये हो गई हमारी 1 वाट की रेजिस्टेंस, ये देखिए ये 1 वाट की रेजिस्टेंस हो गई, और ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ये हो गई 2 वाट की रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर इन दोनों में मैं अंतर बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए 1 वाट और 2 वाट में इतना अंतर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ये हो गई 5 वाट की रेजिस्टेंस, ठीक है। ये देखिए ये इस प्रकार की रेजिस्टेंस आती है 5 वाट की। इनके अंदर ग्रीन कलर में भी आपको मिल जाएगी, गोल 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 आकृति की होती है वो, और यहाँ पर 10 वाट की रेजिस्टेंस भी होती है इनके अलावा, जो अभी मेरे पास फिलहाल है नहीं, ठीक है। तो अब हमें LED को इन रेजिस्टेंसों के साथ किस प्रकार से कनेक्ट करें, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ओम्स लॉ के अनुसार 2-3 सूत्र ध्यान में रखने होंगे। तो यहाँ पर जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ के अनुसार, ठीक है, तो यहाँ पर जो सूत्र है एक तो हो गया V=IR, ठीक है, और एक जो सूत्र है वो है P=VI, ठीक है, और एक जो सूत्र है P=V²R, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे वो यहाँ पर इस सूत्र के अनुसार निकाल लेंगे, और अगर हम रेजिस्टेंस की वाट निकालेंगे तो रेजिस्टेंस की जो वाट है वो इन दो सूत्रों के अनुसार निकल सकती है, या तो आप इसके अनुसार निकाल सकते हैं या फिर आप इसके अनुसार निकाल सकते हैं। अब मान लो कि हम एक सर्किट बनाते हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ये देखिए यहाँ पे
एक एलईडी लगी हुई है। तो पहले मैं यहाँ पर एक एलईडी लगा के आपको बता देता हूँ, और ये इसका पॉजिटिव हो गया, ये एलईडी का नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे सर्किट क्लोज है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक एलईडी लगी हुई है, और यहाँ पे हम देंगे, ये हो गया वीएस, ठीक है। वीएस का मतलब हो गया कि हम इस सर्किट को कितने वोल्टेज से ऑपरेट कर रहे हैं। मान लो कि हम इसको 12 वोल्ट डीसी से ऑपरेट कर रहे हैं, और यहाँ पर एक एलईडी लगी हुई है, रेड ब्लू जो भी कलर की एलईडी है वो यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर हम 12 वोल्ट डीसी के साथ एक एलईडी जोड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो वीएस है, वीएस हो गया हमारा 12 वोल्ट, ये जो वीएस है ये 12 वोल्ट हो गया है, और यहाँ पे वीएल यानी एल यानी एलईडी हो गई, वी यानी वोल्टेज, तो जो एलईडी का वोल्टेज है वो हो गया 3 वोल्ट। तो यहाँ पर जो एलईडी का वोल्टेज हम लेके चलते हैं वो 3 वोल्ट लेके चलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो एलईडी है वो 3 वोल्ट ही सपोर्ट करती है, और इनमें कुछ कुछ जो एलईडी है वो ज़्यादा भी वोल्टेज सपोर्ट करती है, जैसे 3.8 4 वोल्ट, वो कलर के अनुसार होता है, एलईडी के कलर के अनुसार। और दूसरी बात, वो एलईडी कौन सी कंपनी की बनी है, ये सब आपको गूगल पे सर्च आप करोगे तो वहाँ पर आपको डाटा शीट में मिल जाएगा कि एलईडी कितने वोल्ट की है और ये कितने एम्पियर की है। तो यहाँ पर मेन एलईडी का वोल्ट और उसका एम्पियर आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ऊपर नीचे कुछ मत कीजिएगा, 3 वोल्ट आप ले लीजिएगा एलईडी को, 5 mm की जो एलईडी है उसको, और अगर यहाँ पर 3 mm की एलईडी है वो भी आप 3 वोल्ट ही लेके चलिए। और यहाँ पर जो एलईडी का एम्पियर है यानी एलईडी का जो करंट है, करंट यानी एम्पियर, तो वो हो गया 20 mA, ठीक है। और यही एम्पियर 5 mm एलईडी का है, और यही एम्पियर 3 mm एलईडी का। और अगर हम इस मिली एम्पियर को यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.02 एम्पियर। ये कैसे हुआ, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1000 mA, ठीक है। तो इसके अनुसार ये हम कर लिए हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ, जैसे ऐसे हम 20 के अंदर भाग देंगे 1000 का, तो 1 से 1 0 कट गई, और यहाँ पर 0.02, ठीक है। 100 के बाद में अगर हम 1 2 2 0 हम छोड़ते हैं, तो 2 0 के बाद में यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो ये वाला, तो यहाँ पर ये एम्पियर हो गया इसका, ठीक है। तो ये एलईडी का एम्पियर हो गया है, और 3 वोल्ट एलईडी का वोल्ट है, तो ये दोनों चीज़ें हमें ज्ञात हो गई है, वीएल और आईएल। अब बिल्कुल ईजी है, तो यहाँ पर वी इक्वल टू आईआर हो गया, तो यहाँ पर हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो R क्या होगा, ये जो R है ये क्या होगा, तो R को अगर हम इस तरफ करेंगे तो V ये यहाँ आ जाएगा इसके नीचे, जैसे कि हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे I का भाग लगेगा, मतलब कहने का ये है, ठीक है। तो यहाँ पर V इक्वल टू, V का मतलब हो गया वी एस माइनस वी एल। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि V इक्वल टू वी एस माइनस वी एस, यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना हो रहा है, और ये आई हो गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो वी एस है ये हो गया 12 वोल्ट, और वी सॉरी ये एल है, तो यहाँ पर जो वी एल है ये हो गया एलईडी का वोल्टेज, जो ये एलईडी है ये 3 वोल्ट की एलईडी है, तो ये हो गया वी एल, है ना। तो यहाँ पर हम 3 वोल्ट कर देंगे, और ये जो आई है, आई क्या होगा, ये सॉरी ये 0.02 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या आया 9 वोल्ट और 0.02। अब इसके अंदर हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 450, और ये 450 क्या है, ओम। अब ये 450 यानी 457, ये अप्रोक्सीमेटली जो रेजिस्टेंस होती है 470 ओम की रेजिस्टेंस, यानी 470 ओम की रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 470 ओम। तो हमें इस, जैसे 450 ओम की रेजिस्टेंस तो आती नहीं है, तो हम ये 470 ओम की रेजिस्टेंस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अप्रोक्स हम लगा सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये तो हो गई रेजिस्टेंस की वैल्यू, और अब हम रेजिस्टेंस का वाट निकालेंगे कि कितने वाट की रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वाट भी निकाल लेंगे हम। अब वाट के लिए यहाँ पर क्या हो गया, ये देखिए, ये वाला सूत्र काम में ले लो, चाहे आप ओम्स लो का या फिर ये वाला सूत्र काम में ले लो। तो ये वाला जैसे पी यानी वाट हो गया, और ये वोल्टेज हो गया, वोल्टेज कौन सा हुआ, जो ड्रॉप वोल्टेज है ये वाला 12 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट, ये जो ड्रॉप हुआ है वोल्टेज 9 वोल्ट, तो ये हो गया वी स्क्वायर। और यहाँ पर जो आर है वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम कर लेंगे। तो यहाँ पर चलिए
हम ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर पी इक्वल टू वी स्क्वायर आर, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर ये हो गया 9 वोल्ट, 9 और ये स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये हो जाता है कि 9 को हम दो बार गुणा करें, ठीक है, आपको बता देता हूँ। तो ये और जैसे जिन लोगों को नहीं पता है इसलिए मैं यहाँ पर ये चीज़ बता रहा हूँ। और ER जो हमने निकाल लिया है 470, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर भाग देंगे और ये देखिए यहाँ पर ये 81/470 और यहाँ पर हम भाग लगाएंगे तो 0.17 आया, ठीक है। और अगर हम दूसरा वाला सूत्र ये है, ये वाट यहाँ पर आए हैं, और अगर दूसरा वाला सूत्र P बराबर वी आई, ठीक है, और V इक्वल टू हो गया वी एस माइनस वी एल बटा सॉरी बटा नहीं इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ पर वी एस माइनस वी एल क्या हो गया 9, जैसे कि यहाँ पर V वही था वी एस माइनस वी एल, तो यहाँ पर 9 आ गया यानी 12 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट। तो यहाँ पर हम 9 वोल्ट लिखेंगे और ये इंटू आई, तो आई क्या है, ये हो गया आई, ठीक है, 0.02, तो 0.02 और ये क्या आया यहाँ पर 0.18। अब ये इतना डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो ये 450 हम लेके चले थे और यहाँ पर हमने अप्रोक्स 470 ओम कर दिया था, तो हमें यही लिखना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो ये 0.18 ही यहाँ पर आता अगर हम 450 लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसकी जगह। तो वो कोई इतना अंतर है नहीं, 0.18 अगर आप मान के भी चलते हैं तो 0.18 वाट का मतलब ये हो गया कि 0.25 वाट यानी 1/4 वाट की रजिस्टेंस यानी क्वार्टर वाट की रजिस्टेंस, और ये 0.18 है यानी 1/8 से तो ज़्यादा ही है, तो यहाँ पर क्वार्टर वाट की हम रजिस्टेंस लगा सकते हैं यानी 1/8 यानी क्वार्टर वाट से भी छोटी यानी 1 वाट का 8वां हिस्सा, तो उससे तो ये बड़ी है यहाँ पर, तो हम क्वार्टर वाट की रजिस्टेंस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, एक रजिस्टेंस लेके, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप ये LED देख रहे हैं ये 5mm की LED है और ये मैं इस 12 वोल्ट 7 एम्पियर की बैटरी से चला रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम इसको चला के देखते हैं, ग्लो करके देखते हैं। तो अब ये डायरेक्ट अगर हम इसको लगाएंगे तो ये भी ये जल जाएगी, तो इसके बीच में हमें एक रेजिस्टेंस लेनी है जो कि अभी हमने वैल्यू निकाली है 470 ओम और क्वार्टर वाट, ठीक है। तो क्वार्टर वाट की जो रेजिस्टेंस है वो तो मुझे मिल गई है लेकिन जो 470 ओम है वो मुझे नहीं मिली है, तो हम उसकी जगह लगाएंगे यहाँ पर 330 ओम। तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा चलता है और फिर भी आप एक्यूरेट लगाने की कोशिश करना, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से मैं इसको कनेक्ट करके और आपको अब चेक करके बताता हूँ ये किस प्रकार से जलेगी। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं जो इस LED का पॉजिटिव है, ये देखिए यहाँ पर जो एक छोटा मुंह होता है चौड़ाई में, ये इसका पॉजिटिव होता है और जो चौड़ाई में स्पेस ज़्यादा घेर के रहता है ये नेगेटिव होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये स्पेस कम घेर के रहता है इसकी जो ये लेग है ये भी लंबी आती है और ये छोटी आती है, तो लंबी आती है वो पॉजिटिव और छोटी वाली नेगेटिव होती है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब जो रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं इसको भी आप उल्टी लगाओ या सीधी कोई फर्क नहीं पड़ता रेजिस्टेंस में, क्योंकि इसके भी यार खूब कमेंट आते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जिन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यार ये इतनी छोटी छोटी चीज़ क्यों बता रहा है, तो यार बताना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ कई हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बिगनर भी है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको चेक करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमारी LED है इस बैटरी से जल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये LED वर्क करेगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इसको जला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि वैसे भी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और मुझे आप लोगों को बहुत ही बारीकी से बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपको कहीं भी कोई भी भ्रम यहाँ पर नहीं रहे। और फिर भी आप लोगों को अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको आगे बताता हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले। अब सवाल ये है कि मान लो कि यही LED है, इसको हम 12 वोल्ट से ना जला के और 220 वोल्ट AC से जलाएं, तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या होगी। तो चलिए यहाँ पर हम वो वाला भी करके देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को बता दूँ कि ये जो सर्किट है यहाँ पर 220 वोल्ट AC है,
है ना, ये VS हो गया और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये जो LED है वो यहाँ लगी हुई है, ठीक है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो चलिए वही वाला हम कर लेते हैं। और ये 3 वोल्ट की हमारी जो LED है वो लगी हुई है, तो ये हो गया VS इक्वल टू 220 वोल्ट, और VL हो गया हमारा 3 वोल्ट, तो और IL हो गया हमारा वही 0.02 एम्पियर, ठीक है। तो वही सूत्र के अनुसार हम चलते हैं, तो वही V बराबर, इसके आगे मैं बता रहा हूँ, IR हो गया है। और आप देख रहे होंगे कि यार मुकेश भाई कहाँ से पढ़ाने बैठ गए हैं, लेकिन यार आपको समझाना बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकली। और V बटा EI इक्वल टू R, तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, तो R इक्वल टू वही VS माइनस VL। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बता ही दिया है और हमारे पास टाइम भी इतना, क्योंकि लोग देखते हैं कि यार वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, कौन देखेगा, लेकिन यार आपको बारीकी से समझाना बहुत ज़रूरी है। और यदि 220 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट, और ये देखिए 0.02 एम्पियर। लेकिन फ्रेंड्स आप इसको बारीकी से देखोगे वीडियो को, तभी आपको ये बहुत ही प्रॉपरली ढंग से समझ में आएगा, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और आसानी से सब कुछ देखिएगा। और ये 217 वोल्ट आ गया अगर हम इसमें से घटाते हैं तो, और ये 0.02 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर भाग देते हैं तो 10,850 ओम हो गया, और अगर हम ओम को किलो ओम में कन्वर्ट करते हैं तो ये 10.8 ओम आ गया। तो यहाँ पर हम जो अप्रोक्सीमेटली रेजिस्टेंस है वो 10 किलो ओम की, हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 10 किलो ओम की होगी। और ये हमने कैसे कन्वर्ट किया ओम को, यहाँ पर मैं एक छोटा सा सूत्र आपको और बताता हूँ। 1 किलो ओम इक्वल टू होता है 1000 ओम, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर भाग लगाते हैं नीचे 10,850 में हम भाग लगाते हैं 1000 का, तो एक एक दो तीन जीरो छोड़ के यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा जो कि यहाँ पर मैंने लगा दिया है, और इस प्रकार से ये 10 किलो ओम बन गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब हम निकाल लेते हैं इसका वाट, तो वाट यहाँ पर वो ये सेम जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, पी इक्वल टू वी स्क्वायर आर से हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि वी स्क्वायर यानी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है, तो वी एस माइनस वी एल, और यहाँ पर 217, ये 217 यहाँ पर हमारे आ गया है, और R ये 10 किलो ओम है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये 217 इसका स्क्वायर हो गया है, यानी कि हम 217 इंटू 217 करेंगे, और जो R है वो हो गया हमारा 10 किलो ओम का, और यहाँ पर भी 10 किलो ओम आ जाएगा। तो अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर जो ये 217 इंटू 217 आया, इसका जो कैलकुलेशन है वो हो गया 47,009, और यहाँ पर जो 10 के है ये हमारा आया था 10,850 ओम, तो हमें ये ओम में ही लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 4.36 ये आ गया है, और 4.36 यहाँ पर जो हो गया है जो रेजिस्टेंस का वाट है वो 5 वाट के लगभग हो गया। तो जो 5 वाट की जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई थी, ये इस प्रकार की 5 वाट की रेजिस्टेंस होती है, ये लगेगी उसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो P बराबर V स्क्वायर R था, इसकी जगह हम दूसरा वाला सूत्र मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये वाला P बराबर VI, तो यहाँ पर हम इससे भी निकाल के मैं आपको बता देता हूँ, P इक्वल टू VI, और जो V है V आया 217, और I क्या हुआ ये रहा 0.02 इंटू 0.02, ठीक है, ये आया। अगर हम इसको इक्वल यहाँ पर गुना करते हैं तो आप देख सकते हैं, तो वही 4.36 के लगभग आया, यानी वही, तो ये भी 5 वाट यहाँ पर हो गया। तो उस एलईडी के साथ जो इस सर्किट के अंदर जो ये एलईडी लगी हुई है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये हो गई 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस हो गई, और 5 वाट की। अब हमारे पास 5 वाट की रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इस एलईडी को 220 वोल्ट एसी के साथ ग्लो करके देखते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो ये 10 किलो ओम की है, लेकिन ये 5 वाट की नहीं है, ये क्वार्टर वाट की है। तो यहाँ पर अगर हम 4 क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है, तब जाके ये 1 वाट की होगी। तो यहाँ पर हमें 20 रेजिस्टेंस लेनी होगी। तो चलिए पहले इस एलईडी के साथ इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके देखते हैं, और फिर हम 220 वोल्ट एसी के साथ इसको ग्लो करके देखेंगे, तब देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से, और आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कुछ इस तरह से। और ये देखिए ये 220 वोल्ट एसी का बोर्ड है,
और ये देखिए यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ, और ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है। और अब जैसे मैं इसको चालू तो कर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ धुआं उठने लग गई। दोबारा देखिए, ये देखिए, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो LED है वो रेजिस्टेंस के साथ साथ दोनों जल जाएगी। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर वाट लेना ज़रूरी है। तो ये 10 के तो सही है, इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो तो सही है, लेकिन हमें साथ साथ में 5 वाट की रेजिस्टेंस भी लेनी होगी। तो हमारे पास 5 वाट तो है नहीं फिलहाल, तो यहाँ पर मैं ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हो इनको 2 वाट करके आपको बताता हूँ। तो इन रेजिस्टेंसों को मैं सीरीज में लगाऊंगा। तो सीरीज में लगाने के लिए यहाँ पर हमें इस प्रकार से जोड़ना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको 2 वाट बना लूंगा फिलहाल। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर हमें फ़ायदा होगा, ताकि ये जो रेजिस्टेंस अभी जली थी वैसे गर्म नहीं होगी और धुआं नहीं देगी। और वैसे प्रॉपर हमें 5 वाट ही लगाने हैं। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें 4 और 4 8 रेजिस्टेंस हमें लगानी होगी, क्योंकि एक जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 वाट की है। तो यहाँ पर जो अगर हम 4 रेजिस्टेंस लगाएंगे तो 1 वाट की होगी, और 8 रेजिस्टेंस लगाएंगे तो 2 वाट की हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं 5 वाट ना लेके और फिलहाल आपको 2 वाट पे चेक करवा देता हूँ। तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट है, इतनी जल्दी रेजिस्टेंस ख़राब नहीं होगी और ना ही LED। तो चलिए यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5, और ये मैंने 6वीं रेजिस्टेंस जोड़ ली है, ये 7वीं, ठीक है, और ये 8वीं रेजिस्टेंस मैंने यहाँ जोड़ लिया है। तो अब ये 2 वाट हो गया है, ठीक है। और अब मैं आपको इस LED को जला के बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको 220 वोल्ट AC के साथ लगा देता हूँ। जैसे मैं ये खुली रेजिस्टेंस लगा के मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ऐसे आप घर पे करने की कोशिश मत करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप ऐसा करते हो तो बिल्कुल सावधानीपूर्वक करिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है, और अब मैं यहाँ पर इसको ऑन करके देखता हूँ। देख सकते हैं जो हमारी LED है वो ऑन हो गई है, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है वो गर्म भी नहीं हो रही, ना ही बर्न होगी, और क्योंकि ये 2 वाट की है। अगर यहाँ पर हम 5 वाट की लगाएंगे तो काफ़ी फ़ायदा रहेगा। और ये देखिए आपको ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही होगी, ये कैमरे के अंदर ऐसा हो रहा है, बाकी जो हमारी रेजिस्टेंस है बिल्कुल स्मूथ जल रही है, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही सेफ है। तो इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस को 5 वाट बना के लगा सकते हैं, लेकिन रहेगी वही सेम वैल्यू जो कि हमने पता किया था 10 किलो ओम की, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये कर लेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं अब। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम एक और सर्किट बनाते हैं, और इसके अंदर लगाते हैं हम 80 LEDs। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमने एक सर्किट बनाया है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, और यहाँ पर लग जाएगी LEDs इस प्रकार से। ये मैं सीरीज में लगाऊंगा यहाँ पर, 10 10 10, ये टोटल मिला के 80 LEDs यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, और प्रत्येक एक 3 वोल्ट की LED है जैसा कि आप जानते हैं, और यहाँ पर हम 220 वोल्ट AC के साथ इनको कनेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर मैंने 220 वोल्ट AC के साथ यहाँ पर 80 LEDs का कैलकुलेशन करके देखा है, जो कि बिल्कुल सफिशियंट है। तो यहाँ पर मैं इनका कैलकुलेशन आपको करके बताता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा 220 वोल्ट AC के साथ। तो चलिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम सीरीज में LEDs को जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल LEDs का कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने टोटल 80 LEDs जोड़ी है, ठीक है, तो ये प्रत्येक एक 3 वोल्ट की है। तो यहाँ पर 80 × 3 = 240 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 240 वोल्ट यहाँ पर कंज्यूम होगा 220 वोल्ट। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक AC आती है। तो यहाँ पर मैं दोनों को एक्यूरेट मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम फिर से वही सूत्र रख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं V बराबर ये हो गया IR, तो R इक्वल टू हो गया हमारा V/I, ठीक है। तो यहाँ पर VS - VL और IL। अब यहाँ पर हम वही जो वोल्टेज है VS क्या हो गया हमारा 220 या फिर 240, यहाँ पर मैं 240 लिख रहा हूँ,
क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो सही बैठेगा, और यहाँ पर जो ये वोल्टेज है ये सारी एलईडीओ का मिला के वो भी 240 वोल्ट आया, ठीक है। और आईएल क्या हुआ, जो प्रत्येक एक ये एलईडी है उसका जो एम्पियर है वो हो गया 0.02, तो यहाँ पर 0.02 एम्पियर रहेगा। और अगर ये एलईडी पैरेलल में जुड़ती है, अभी ये सीरीज में है, तो सीरीज में वोल्टेज मल्टीप्लाई होगा और पैरेलल में एम्पियर एड या मल्टीप्लाई जैसे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 3 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट प्लस करते हुए अगर हम 80 एलईडीज का वो कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर 240 ही आएगा, या फिर 80 इंटू 3 वी वही 240 आया। तो इस प्रकार से हम ये कर लेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो एलईडीज है उनको हम सीरीज में कैसे जोड़ेंगे और पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये नेगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव है, तो एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, तो इस प्रकार से हम सोल्डरिंग आयरन के द्वारा इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहो तो वैसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, जैसे आप देख सकते हैं एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव, तो इस प्रकार से हम इनको कनेक्ट करवा सकते हैं इस प्रकार से, और फिर दूसरी रेजिस्टेंस यहां लग जाएगी, ठीक है इस प्रकार से। तो ये क्या हुआ, ये सीरीज कनेक्शन हुआ, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये सीरीज कनेक्शन ये रहा। तो इस प्रकार से अगर ये एलईडी जुड़ती है इस प्रकार से, तो ये सीरीज कनेक्शन हुआ, और ये देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव है, तो इस प्रकार से ही हमारी जो एलईडी है वो जुड़ेगी, कनेक्ट होगी इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो रहेगी, इसके अंदर से ये घटेगा तो 0 और ये 0.02, और इसके अंदर हम भाग देंगे तो 0, यानी कि हमें 80 एलईडीज को जोड़ने के लिए यहाँ पर जो 80 एलईडीज है ये इस प्रकार की, हम 80 एलईडिया अगर 220 वोल्ट एसी के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें कोई भी रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन है इसका। और अगर हम इससे ज़्यादा एलईडिया लगाते हैं 220 वोल्ट एसी के साथ, तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वो ग्लो करेगी लेकिन थोड़ी सी कम करेगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम 220 वोल्ट एसी के साथ 100 एलईडीज तक कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा हम करेंगे तो वो ग्लो ही नहीं होगी, जैसे 200 300 इस प्रकार से। और यहाँ पर हमें वाटेज निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर 0 आई है। अब मैं आपको पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ के बताऊंगा, तो सर्किट के अनुसार अगर हम इस प्रकार से पैरेलल में आपको एलईडी जोड़ के बताऊंगा, तो सर्किट के अनुसार हम यहाँ पर जैसे मान लो मैं 5 वोल्ट चार्जर के द्वारा ये एलईडी जोड़ूंगा, ठीक है। 5 वोल्ट या तो आप बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई चार्जर के साथ, जैसे 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर ज़्यादा ठीक रहता है, तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से एलईडियाँ जोड़ूंगा, तो ये हो गई रेजिस्टेंस, और इस प्रकार से हम एलईडी को कनेक्ट करवाएंगे, और ये हो गया देखो इस प्रकार से पैरेलल होता है, इस प्रकार से करते करते हम 15 एलईडियां यहां पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उस वक्त इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हम कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, V बराबर IR, R इक्वल टू V बटा I, और VS माइनस VL और उसके बटा IL। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर अगर आप लोगों को इन रेजिस्टेंस की वैल्यू का नहीं पता कि हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 वीडियो बना रखे हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम किस प्रकार से इनकी कलर कोडिंग निकाल सकते हैं। जैसे ये कलर है इसका ब्राउन, ब्लैक, गोल्ड, तो ये किस प्रकार से हम कैलकुलेशन करते हैं कि ये रेजिस्टेंस फला वैल्यू की है, ठीक है। तो वो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी वहाँ पर, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे, और यहाँ पर ये 5 वोल्ट माइनस ये VL क्या हुआ 3 वोल्ट, तो यहाँ पर 3 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पैरेलल के अंदर यहाँ पर जो एम्पियर है उसका कैलकुलेशन होगा और सीरीज के अंदर वोल्ट का कैलकुलेशन होगा, जैसा कि यहाँ पर हुआ था। तो ये 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, और इनका जो एम्पियर है वो 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, क्योंकि ये इस तरफ अलग अलग तरीके से ये यहाँ पर बट गए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना टोटल एम्पियर हुआ, IL इक्वल टू
यहाँ पर हम 15 एलईडीज लगाएंगे, तो 15 × 0.02 इक्वल टू 0.3 एम्पियर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो IL है वो हो जाएगा 0.3 एम्पियर, ठीक है। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो रहेगा 2/0.3। अब मैं आपको LEDs का पैरेलल कनेक्शन बताता हूँ कि पैरेलल में किस प्रकार से कनेक्ट होगी। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको सीरीज कनेक्शन बताया था, और ये देखिए इस प्रकार से जो LED है इनको हम इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। ये देखिए एक ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लग गई, और ये पॉजिटिव मान के चलो आप, यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो जो ये आप देख रहे हो LED का पॉजिटिव, यानी ये जो बड़े वाला पॉइंट है, बड़ी वाली पिन है, ये इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे इस प्रकार से जब वायर के साथ कनेक्ट होगी, ठीक है, ये वायर है, और दूसरी वाली यहाँ पे लगेगी वायर के साथ। तो ऐसे करते हुए आगे बढ़ती हुई जितनी दूरी में आपको लगाना है उस हिसाब से लगा सकते हैं। आप चाहे तो उसको इतनी नज़दीक लगा सकते हैं, आप चाहे तो इतनी नज़दीक लगा सकते हैं, जैसे भी आपको चाहे आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो कैलकुलेशन आया 6.66, जो कि अप्रोक्स होगा 6.8 ओम की रेजिस्टेंस के बराबर। और आप चाहो तो यहाँ पर 10 ओम की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए यहाँ पर आगे मैं आपको बता देता हूँ अब इसका वाट क्या रहेगा, ठीक है। तो वाट हम निकाल लेते हैं, पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर इक्वल टू, तो जो वी आया था वो आया था 2, ठीक है, इसके अंदर से घटेगा, तो क्योंकि यहाँ पर ये वी ये चीज़ है VS-VL, जैसा कि मैं आप लोगों को हर बार बता रहा हूँ। और ये इसका 6.66 4/6.66 इक्वल टू 0.60, ठीक है। तो 0.60 अप्रोक्स हो गया है आधे वाट के लगभग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि 0.25 वाट इसका मतलब हो गया हाफ वाट, और 0.50 वाट इक्वल टू हो गया 1/2 वाट हाफ वाट, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अप्रोक्स ये आ रहा है, तो यहाँ पर हम हाफ वाट की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो अगर हम 5 वोल्ट के साथ 15 LED कनेक्ट करेंगे इस प्रकार की, ठीक है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम या 6.8 ओम आप लगा सकते हैं, और जो रेजिस्टेंस की वाट है वो आप हाफ वाट की लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो 1 वाट की भी लगा दीजिए, वाट ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप खुद ही पता कर लोगे कि आपको कौन सी वैल्यू की रेजिस्टेंस लगानी है LEDs के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस प्रकार के मैं वीडियो लाता रहूं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करिएगा। और साथ ही जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन के आल पे क्लिक करना ना भूले। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जंगली रमी का लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।